हेलो, जय बाबा की, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं हम लैया के लड्डू। तो ये है लैया, और आप लोगों के यहाँ किस इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो कोई इनको मुरमुरे बोलता है, कोई लैया बोलता है, और हमारे यहाँ इनको लैया बोला जाता है, तो हम इनको लैया बोलते हैं। वैसे इसको मुरमुरे भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मुरमुरे ले लिए हैं, और यहाँ पर जो है गुड़ का पाक बनने के लिए चढ़ा दिया है। तो लैया के लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही आसान है तरीका बनाने का, और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगती हैं। बस गुड़ डाल दो अपने अंदाज के हिसाब से, आपको कितने लड्डू बनाने हैं उसी के हिसाब से, और इसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल दो, आधा कप, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा देर तक जो है जलाना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर चाशनी बनने वाली है, और बस इसमें जो है मुरमुरे में मिला के इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। जैसे कि आजकल गर्मी चल रही है, और बार बार जो है कुछ भी मीठा खा के पानी पीने का मन करता है, तो चीनी की चीज़ खाओ तो जुकाम होने का भी डर रहता है सर्दी गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर जो है हमने सोचा कि लैया के लड्डू बना लेते हैं। दिव्या बहुत दिन से कह भी रही थी, तो यहाँ पर खाना पीना सब हो गया, एकदम फुर्सत बैठे थे, तो एकदम से मन में आ गया कि चलो लड्डू बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बहुत दिन हो गया आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है, तो चलिए फटाफट से जो है लड्डू बना लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और गर्मी की वजह से धूल धूप पसीने की वजह से हमारी स्किन में इन्फेक्शन होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में दाग धब्बे, कील, मुहासे, दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से स्किन का ख्याल रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गर्मी में अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए मैं लगाती हूँ ये ममार्थ नीम मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। इसमें है नीम और टी ट्री के गुण। मार्ट के जितने प्रोडक्ट हैं सभी नेचुरल होते हैं, इनमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं, और ममार्थ एक इंडियन ब्रांड है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। इस सोप को आप बॉडी और फेस दोनों पर लगा सकते हैं। ये सोप स्किन प्यूरिफिकेशन का काम करता है। नीम और टी ट्री ऑयल दोनों में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को होने से और उसको ख़त्म करने में हेल्प करती हैं, और आपकी स्किन को प्यूरीफाई करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, और स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है पूरे 24 घंटे के लिए। इस प्रोडक्ट का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और साथ में एक कूपन कोड भी दे दिया है, जिसको आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 20% का ऑफ मार्क की साइड से इसको खरीदने पर। और साथ ही ये प्रोडक्ट अमेजोन, नायका और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। ममार्थ की एक ऑफिशियल ऐप भी है, वहां से आप सेल्स डिस्काउंट और ऑफर की जानकारी भी ले सकते हैं, आसानी से शॉपिंग भी कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज है, ममार्थ के प्रोडक्ट आप अपने पास के स्टोर से जाकर भी खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने बनाए थे मुरमुरे, मुरमुरे के लड्डू, यानी लैया के लड्डू जो हम बोलते हैं वो बनाए थे, और उसको बनाने के बाद चले गए थे हम अपने रूम पर, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम अपने रूम पर नहीं गए थे, तो वहाँ पर बंद था। तो सोच रहे थे आजकल आजकल करते करते तो गर्मी की वजह से जो जाने का प्रोग्राम ही नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ पर चले गए थे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, आज ही जाना था थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पर गए तो इतना ज़्यादा रूम एकदम भट्टी की तरह जो है गर्म हो रखा था। तो फिर थोड़ी देर कूलर चलाया, जो काम था, जो सामान लेना था वहाँ से, कुछ सामान लेना था ज़रूरी सा, तो वहाँ से सामान लिया, और उसके बाद
फिर हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर जो है सारा शाम का काम फिर निपटाया, जैसे भगवान की आरती वगैरह करके खाना पीना सब कुछ होके सारे लोग जो है लेट गए हैं अंदर और हम बैठे हैं यहाँ पे बाहर, क्योंकि कुछ कपड़े पड़े थे यहाँ पर, तो हमने सोचा कि अभी इनको जो है तय करके रख लेते हैं। तो वही करते करते मेरे दिमाग में आ गया कि जो है आज आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए, और आप लोग और इधर बहुत दिन हो गए हमने कोई वीडियो नहीं बना पाया, तो इन दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ सब आप लोगों के साथ अभी शेयर करेंगे। तो पहले तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही इन दिनों में, मतलब काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब रही, लेकिन अब जाके मुझे कुछ आराम मिला है। तो जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, दिमाग भी काम नहीं करता, क्या करना क्या नहीं, बस वही रोज़मर्रा के थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो किसी तरीके से होते रहते हैं। और बहुत दिन से हम यहीं पर हैं दिव्या के यहाँ, तो बस तबीयत ख़राब में पड़े रहे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या करें क्या नहीं करें। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जब तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस एसी वाले रूम से निकलने को बिल्कुल मन ही नहीं करता था, ऐसे लगता बस वहीं लेटे रहो वहीं बैठे रहो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, काम तो सभी करने हैं। तो कल थोड़ा सा मौसम कुछ चेंज हुआ था शाम को, तब से जो है कुछ थोड़ी सी राहत है। और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है आप लोग ज़रूर शेयर करना। तो बस वही जो है लेटे लेटे वीडियो वगैरह और फ़ोन वगैरह देखते रहते, तो बस ऐसे ही जो है दिन कटते रहे हमारे। और इस बार तो ऐसा हो गया कि जब से हमने अपना रूम लिया है तो तब से जो है वहाँ पर बिल्कुल रह ही नहीं पाए हैं, 8-10 दिन भी नहीं रह पाए हैं। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे दिव्या के यहाँ आना जाना लगा रहा, उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई, तो बस सब लोग मिलजुल के यहीं पर रह रहे हैं, हम भी दिव्या ही के यहाँ पर हैं। तो ऐसे ही जो है पूरा समय कट गया। तो ऐसा नहीं कि बीच बीच में गए नहीं, जो है कभी जिस दिन थोड़ा सा आराम लगता था तो जाते थे वहाँ पर, नन्नू भी मेरे साथ जाती थी, तो बस झाड़ू पोछा लगाया थोड़ी देर रूम खोला, या कभी एक रात लेट भी गए तो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया कि वहाँ पर रह के कुछ वीडियो बनाते आप लोगों के साथ शेयर करते। तो बस इसी तरीके से इतना सारा समय निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला 2-3-4 महीने कैसे निकल गए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आप लोगों ने इतने दिनों में क्या क्या किया, कैसे हैं आप लोग, आप लोगों के यहाँ कैसी गर्मी हो रही है, आप लोग ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, ज़रूर हमें कमेंट करना। इतने दिन बाद मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मेरा वीडियो कभी भी आता है तो आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वीडियो नहीं पड़ता है उससे पहले ही हमें कमेंट का इंतज़ार हो जाता है, इंतज़ार करने लगते हैं कि जो है हमारे पास अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, और आप लोग करते भी हैं तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। जैसे कि हम लोग हरिद्वार घूमने गए थे, तो हरिद्वार जब हम घूमने गए थे तब भी मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इसी की वजह से हमने अपना अलग से कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, दिव्या तो बना ही रही है, उससे तो सब पता चल ही जाता है आप लोगों को। और दिव्या अभी भी घूमने गई थी तो उस टाइम मुझे जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हम नहीं गए थे, ये लोग घूम के आए हैं। तो अच्छा लगता है जब बाहर घूमने जाते हैं, हरिद्वार गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए ज़रूर कमेंट करना हमें। और वैसे मुझे 1-2 जगह जाना भी था, जैसे कि हमारे यहाँ यज्ञ हुई थी, और हमारे भैया हैं उनके यहाँ भागवत हुई, उनके यहाँ से भी जो है निमंत्रण आया था, लेकिन बस इसी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तबीयत नहीं ठीक थी, इसकी वजह से हम कहीं नहीं जा पाए, क्योंकि कहीं आना जाना भी तभी अच्छा लगता है जब शरीर स्वस्थ होता है, और तबीयत ख़राब में तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, और ना ही जाने का कोई मतलब बनता है। जब हम अपने रूम पर नहीं जा पाए, इतने दिन से मेरा रूम बंद पड़ा है, आप लोगों ने देखा मेरा छोटा सा रूम है, हमें अच्छा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इस समय वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा धूप आती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और वहाँ पे इन्वर्टर वगैरह तो है नहीं, तो लाइट की भी समस्या बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा आ रही जा रही। और तो बस इसकी वजह से हम कमरे पे भी नहीं जा पाए, अगर जाते भी हैं किसी दिन तो बस थोड़ी देर के लिए जाते, गए बस खोला, झाड़ू पोछा लगाया, साफ़ सफाई करी, कुछ सामान लेना हुआ तो ले लिया और बस चले आए। बस अभी 4-5 महीने हो गए यहीं पर रह रहे हैं दिव्या के यहाँ, मज़े कर रहे हैं सब लोग साथ मिलके, अच्छा लगता है जब सब लोग साथ मिलके रहते हैं, तब सारी बातें मन में इकट्ठी हो गई हैं आप लोगों से करने के लिए। तो सोचा थोड़ी सी बात करते हैं आपसे तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो इतने दिन बाद मेरा वीडियो आया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज तो बातें बहुत हो गई, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब बातें करते हैं। तो चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।